सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। वर्तमान समय में हम कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो करंट की आपके चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। मैं रटलो श्रृंखला के माध्यम से लगातार आपको करंट अफेयर्स तैयार कराता रहता हूं। इसी क्रम में मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नया प्रयोग किया जाए। इतने सारे आंकड़े हैं, कुछ छोटे वीडियो के माध्यम से मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम में मैंने आज का ये वीडियो लिया है जो रटलो श्रृंखला से बिल्कुल अलग है। यहां पर मैं 10 या 12 मिनट के वीडियो के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण 10-11 रिपोर्ट और उनके आंकड़ों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जहां से निश्चित रूप से प्रश्न आपके परीक्षाओं में मिलते हैं। आइए इसी क्रम में बात करते हैं सबसे पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की। हम सभी लोग जानते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद आती है और 1987 से प्रारंभ हुई है ना। 1987 से इस रिपोर्ट को प्रारंभ किया गया और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट आती है। यदि हम लोग देखें तो क्रम में यह 16वीं रिपोर्ट थी, क्रम में यह 16वीं रिपोर्ट थी और इसे FSI द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह स्पष्ट कर दूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 15वीं रिपोर्ट से 16वीं रिपोर्ट किस प्रकार अलग है। 16वीं रिपोर्ट में पहली बार एक नए अध्याय को जोड़ा गया है, शामिल किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं वनों के प्रकार और जैव विविधता। फिर से सुनिए, वनों के प्रकार और जैव विविधता, यह नया अध्याय पहली बार 16वीं वन रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो पौधों एवं वनस्पति को 16 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको कहा गया है चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। ये नाम क्यों पड़ा मैं ये भी बताता हूं। जिसको कहा गया है चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण, 1968 में चैंपियन एवं एस के सेठ ने भारतीय वनस्पति का 16 भागों में लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किया था। उसी आधारों के आधार पर यहां पर भी वनस्पति को 16 भागों में बांटा गया और इन 16 भागों को एक नाम दिया गया, चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। आइए इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो कि क्रम में 16वीं है जारी की। इसके बाद चलते हैं ऊपर, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा जारी की जाती है। FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं मुख्य बिंदु, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल क्षेत्रफल कितना है तो आप यहां पर देखिएगा 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग देखें प्रतिशत में तो 24.56%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बनावरण क्षेत्र कितना है, 21.76%। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 2.89%। अब यहां पे आपको ध्यान देना कि प्रश्न आपसे 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल वन क्षेत्र कितना है तो आप कहेंगे 24.56%। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल वनावरण कितना है तो आप कहेंगे 21.76%। और यदि आपसे कहा जाए कि कुल वृक्षावरण कितना है तो आप कहेंगे 2.89%। अगर हम वृक्षावरण और वनावरण को जोड़ देते हैं तो यहां पर कुल वन क्षेत्र हमारा बन जाता है इन दोनों को जोड़कर। तो अगर आप वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कुल वन क्षेत्र हो जाएगा। तीनों ही प्रकार से प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आपसे वनावरण ही पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आपसे वृक्षावरण ही पूछ लिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, 2017 में जो 15वीं रिपोर्ट आई थी उसके आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में कितनी वृद्धि हुई, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं 0.65% की वृद्धि यहां पर देखी गई। यदि हम वर्ग किलोमीटर में देखें तो 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहां पर देखी गई। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई तो बताइए 3,976 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई, 1,212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, 4,975 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि मैंग्रोव नाम आया है तो मैं आपको यहां पर एक और चीज स्पष्ट कर दूं इस वन रिपोर्ट की, पश्चिम बंगाल में पद्मा और मेघना नदियों में अवसाद के जमाव के कारण
जिस डेल्टा, जो डेल्टा बनता है उसको हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। पद्मा और मेघना नदियों में अवसाद के जमाव के कारण, किस पर्यावरणीय घटना के कारण, अवसाद के जमाव के कारण जो डेल्टा बनता है वहां उसको हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। यहां पर मैंग्रोव वन क्षेत्र की अधिकता पाई जाती है, मैंग्रोव वन क्षेत्र, और यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सुंदरी के, है ना। तो सुंदरी के वृक्षों की यहां पर अधिकता है, ये सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, यहां पर क्लियर करिएगा। क्लियर, मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहां पर देखी गई। और आगे यहां पर बढ़ते हैं, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। देखिए वृद्धि का ऐसा यहां पर क्या है, जैसे 16वीं रिपोर्ट आई है, जब हम 15वीं और 16वीं रिपोर्ट को कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, तो वह राज्य जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, ऐसा राज्य आपका कौन सा है, कर्नाटक। वृद्धि अलग है और सर्वाधिक वन क्षेत्र का होना एक अलग बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई, प्रश्न में अगर शब्द में ये होगी सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई, तो कर्नाटक में हुई, फिर कहां है आंध्र प्रदेश, फिर कहां है केरल, पहला कर्नाटक आपको जरूर याद रखना है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो यहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य होगा वो आपका कौन सा होगा बताइए, मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य होगा। प्रतिशतता के आधार पर अगर हम लोग यहां पर देखें, तो प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है, 85.41%। तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाला राज्य आपका कौन सा होगा बताइए, मिजोरम हो जाएगा। यहां पर आगे देख लीजिए, भारत में 62,466 आर्द्र भूमिया देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत है। तो अगर आपको देखा जाए कि कुल कितनी आर्द्र भूमिया है, तो ये आर्द्र भूमिया है 62,466, 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, गुजरात होगा। आइए आगे बात करते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट भी भारत सरकार द्वारा जारी की गई, इसको भी आप यहां पर समझ लीजिए। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2014 और 2018 के बीच में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई, जो एक संतोषजनक स्थिति है हमारे लिए। बाघों की संख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, 526, और इसके बाद कर्नाटक में 524, और तीसरा स्थान उत्तराखंड का है, 442। अगर उत्तर प्रदेश में बाघों की स्थिति देखी जाए तो 173 है। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। कुल बाघों की संख्या कितनी है ये भी देखिए, तो ये भी पूछा जाता है, तो 2967 कुल बाघों की संख्या है इस समय। आइए आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। यहां पे देखिए, सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड दिया गया वो इंदौर को दिया गया, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे स्वच्छ राजधानी का जो अवार्ड दिया गया वो भोपाल को दिया गया, और बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड जो दिया गया वो छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया। तो अगर एक शहर की बात की जाए तो इंदौर, अगर राजधानी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और अगर राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य। इसी क्रम में अगर स्वच्छ सर्वेक्षण के ग्रामीण पुरस्कारों को देखा जाए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, तो शीर्ष रैंक पर प्राप्त राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। शीर्ष रैंक प्राप्त जिला तेलंगाना का पेड़ापल्ली है आपका, और अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, है ना। मतलब यहां पर अगर क्लियर कर लें हम लोग कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य तमिलनाडु है, और शीर्ष रैंक प्राप्त जिला जो है वो पेड़ापल्ली है तेलंगाना में। आइए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसका सीधा सीधा आशा है कि आपके प्रदेश की पुलिस ने कितना अच्छा काम किया और कितना त्वरित न्याय दिलाया, या न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो कितनी अच्छी किस राज्य में है। उस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है, और अंतिम राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है कि यहां पर पुलिस की स्थिति और न्याय की प्रक्रिया बड़ी विलंबित है और हम इसमें अंतिम पर हैं, और पहला राज्य जो है आपका कौन सा है, महाराष्ट्र है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी की गई। आइए इंडियन करप्शन सर्वे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी है। सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का। राजस्थान सबसे भ्रष्ट राज्य है।
सबसे भ्रष्ट राज्य जो में दूसरा स्थान किसका है, बिहार का, और सबसे कम भ्रष्ट राज्य जो है वो केरल है। केरल हर मामले में बेहतर है, तो यहां पे सबसे जो है कम भ्रष्ट राज्य जो है वो कौन सा है, केरल है। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट परिवहन मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं कहां पे हुई, तमिलनाडु में, लेकिन सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना से मौत कहां पे हुई, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, लेकिन सड़क दुर्घटना से सबसे ज्यादा मौत कहां पे हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। क्लियर, आइए, नीति आयोग द्वारा 4 रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। क्लियर, सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य नवाचार को अगर हम लोग सूचकांक को देखें तो प्रथम स्थान जिसका है वो कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक का स्थान यहां पर क्या है, प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान पर क्या है, तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु ने बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया है। और अंतिम से दूसरा स्थान किसका है, बिहार का है, बड़े राज्यों में। क्लियर, और अंतिम स्थान किसका है, झारखंड का। तो अगर हम लोग देखा जाए यहां पर कि नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक के हिसाब से देखा जाए तो प्रथम स्थान कर्नाटक का है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का है, सबसे अंतिम स्थान आपका झारखंड है, और अंतिम से दूसरा स्थान आपका बिहार है। दूसरी रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा आई, अब इसी में केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों का में देखा जाए तो सर्वाधिक इनोवेटिव जो है वो दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार सूचकांक में सबसे इनोवेटिव है तो दिल्ली है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव है वो कौन सा है, सिक्किम है, और दूसरा स्थान किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। नीति आयोग के द्वारा पहले एजुकेशन स्कूल क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया गया। बड़े राज्यों में ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सबसे अच्छा जो कार्य है वो केरल का है। नीति आयोग द्वारा जारी पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका रहा, केरल का रहा। द्वितीय स्थान किसका रहा, राजस्थान का रहा। अंतिम स्थान 20वां उत्तर प्रदेश का है, और अंतिम से चौथा स्थान जो 17वां है वो बिहार का है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर छोटे राज्यों में अगर हम लोग देखा जाए तो मणिपुर प्रथम है। देखिए, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या आपकी जानकारी के लिए ठीक है तो आपसे प्रथम स्थान और अंतिम स्थान ही पूछा जाएगा, जहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। केंद्र शासित क्षेत्र में अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के आंकड़े देखें यहां पर तो चंडीगढ़ का स्थान प्रथम है और लक्षद्वीप का स्थान अंतिम है। नीति आयोग का स्वास्थ्य विकास सूचकांक यदि हम लोग देखें तो राज्यों में प्रथम स्थान जो है वो केरल का है, राज्यों में दूसरा स्थान किसका है, हिमाचल प्रदेश का है, और राज्यों में अंतिम स्थान किसका है, बिहार का है। तो यहां पर मैंने 6-7 तरह की रिपोर्ट और आंकड़े आपसे शेयर किए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां पर प्रदान कर दूं, हमारे संस्थान में यूपीपीसीएस से संबंधित बैच बहुत अच्छे से और कुशलता से चलाया जा रहा है। 5 तारीख से इस बैच में पढ़ाई लिखाई आपकी प्रारंभ होनी है, कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी होनी है, बिल्कुल नवीन बैच है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहे नंबरों पर फोन करके आप इस बैच में प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं, या जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए यूपीपीसीएस, और यूपीपीसीएस व्हाट्सएप करके एंट्री व्हाट्सएप पीसीएस एंट्री लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप हमारे बैच में प्रवेश ले सकते हैं। यहां पर इलाहाबाद और दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज से हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की आपको तैयारी करा रहे हैं। देश के चुनिंदा विशेषज्ञ एक साथ एक मंच पर, और इसी क्रम में 5 मार्च से इसमें कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी लोग, जिन लोगों ने अफसर बनने का मन में कभी भी सोचा हो, आपके लिए सुनहरा अवसर है, वादा है, हम लोग कोई भी कसर आपकी पढ़ाई लिखाई में नहीं छोड़ेंगे, तैयारी में नहीं छोड़ेंगे। लगभग 10 घंटे की क्लास प्रतिदिन चल रही है। तो जो भी सदस्य एडमिशन सुनिश्चित कराना चाहे वो यहां पर अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर पर फोन करके। आज मेरी तरफ से इतना ही, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।